बीजीय व्यंजक में हमने क्या देखा था, याद है? बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक हमने लास्ट क्लास में भी देखा था थोड़ा सा। बीजीय व्यंजक क्या होगा बेटा? जिसके अंदर आपके पास चर भी हो, अचर भी हो, संख्याएं भी हो, है ना, और क्या हो, संक्रियाएं भी हो। संक्रियाएं भी हो यानी कि ऑपरेशंस भी होंगे। जैसे कि मैं अभी एक लिख रही हूँ, M+3, है ना। देखो इसमें चर भी है, अचर भी है, ऑपरेशन भी है, राइट। तो ये क्या हुआ आपका, ये हमारा क्या हुआ, बीजीय व्यंजक हो गया। 9x² + y³, ये भी आपका बीजीय व्यंजक हो गया। मतलब जिसके अंदर आपके XYZ वाले सारे, अगर कोई भी आ रहा है तो वो सारा क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा। अंकगणितीय व्यंजक में याद करो, हमने ये चीज नहीं देखी थी। अंकगणितीय व्यंजक में क्या था? अंकगणितीय व्यंजक में बेटा क्या था, सिर्फ नंबर थे, है ना, सिर्फ संख्याएं थी और ऑपरेशन था, सिर्फ ऐसा था। अगर इसमें ABCD वाले कोई भी चर आ गया तो वहीं पे वो बीजीय व्यंजक बन जाता है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है या नहीं, या किसी को इसमें डाउट है? जल्दी से बता दो जरा मुझे, एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ। मैम चैट खुला नहीं, चैट ना बेटा ऐसे ब्लॉक मत है मैम, बोलो, एक सेकेंड चैट रुको। ब्लॉक है मैम। अच्छा हाँ ठीक है, चलो करो। बता दो जरा, बार और समझा दो। एक बार और बताओ। ठीक है, देखो बेटा मैंने बताया बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसके अंदर आपका चर भी हो, अचर भी हो, संख्याएं भी हो। आप ये सोचो, चर जिसमें आ गया वो आपका बीजीय व्यंजक है। ABCDEFGHIJKLMNOP तक कोई भी अगर चर आ रहा है तो वो हमारा बीजीय व्यंजक होगा। जैसे मैं यहाँ लिख दू X³ + X² + X+1, आप कहोगे मैम ये बीजीय व्यंजक है, इसमें देखो चर भी है, इसमें ऑपरेशंस भी हैं, इसमें अचर भी है ना, और जिसमें चर हो, अचर हो, संख्याएं हो, संक्रियाएं हो, सभी क्या होंगे, बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है, क्या मेरी बात अब समझ आई है बेटा? राहुल के आईडी से जो बच्चा है, क्लियर हुआ? ठीक है चलो, क्या मैं क्वेश्चन पूछ लूं या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? जल्दी से बताओ, क्या मैं क्वेश्चन पूछ लूं या किसी को अभी भी डाउट है? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मुझे एक क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये, ठीक है, क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है? आपको बताना है, इन चारों में से ऑप्शन को देखना है और देखना है कौन सा बीजीय व्यंजक है। ठीक है, आपको पता है बीजीय व्यंजक होने के लिए उसमें चर भी होना चाहिए, अचर भी होना चाहिए, है ना। चलो पहले कॉपी में करो, फिर पोल में जाके आंसर कर दो बेटा, प्लीज। आप सभी को पता है कि आपको कहाँ करना है, पोल में करना है। ठीक है चलो, ध्यान से चारों ऑप्शन मैम देख लो। हाँ चारों ऑप्शन देख लो, जो ठीक लग रहा है वो जाके कर दीजिए। चलो वेरी गुड, डन मैम, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मेरे पास हमारे क्लास में जितने बच्चे प्रेजेंट है मुझे सबका आंसर चाहिए। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर दीजिए। सबका चाहिए मुझे। बीजीय व्यंजक कौन सा है? आपको पता है बीजीय व्यंजक होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें चर भी हो, अचर भी हो, है ना, ऑपरेशंस भी हो। चलिए कीजिए जरा। ठीक है ठीक है, वेरी गुड, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे आंसर सबका चाहिए। सही गलत कुछ जो भी आपको ठीक लग रहा है आप कीजिए, गलत होगा तो बेटा कोई बात मैम नहीं, मैं जब समझाऊंगी ना तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना, और फिर अगली बार गलत नहीं होगा। ठीक है, जिनका हो गया है वेरी गुड, जो बच्चे रुके हुए हैं जल्दी से कर दीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी मेरे 4 से 5 बच्चे रुके हुए हैं, करो आंसर जल्दी जल्दी।
डन मैम। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों का हो गया वेरी गुड, और जो बच्चे रुके हुए हैं जल्दी जल्दी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी कीजिए। 5 4 3 2 1 0 कॉल को करेंगे बंद, चैट को करेंगे बेटा ऑन, ठीक है। चलो देख लेते हैं बच्चे, सिंपल है। पहला ऑप्शन में सिर्फ 4 + 2 है ना, या तो इसके अंदर दोनों ही अंक है और प्लस ऑपरेशन है। सी ऑप्शन में भी 5 - 4 है, डी ऑप्शन में भी 3 × 2 है, ठीक है। बी ऑप्शन में सिर्फ वाई चर भी है और अचर भी है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बेटा मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है या बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर आ रहा है? एक बार बताओ। नो मैम। क्लियर है आवाज मेरी? यस मैम। ओके ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो आप सभी बच्चे, या किसी को इसमें डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी। नो मैम पूछ रहे। चलिए फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे। निम्न में से कौन सा बीजीय व्यंजक है? फिर से वही बताना है आपको, इन चारों को देखना है और बीजीय व्यंजक बताना है, ठीक है। पहले वाले का मैं ऑप्शन लिख दे रही हूँ, 2 - 3/5 × 2 है, ठीक है। सी वाला है जो 5 - 4 × ठीक है। एक सेकेंड दीजिएगा, पहले मुझे चैट को मैं ऑफ कर दू और पोल को मैं ऑन कर देती हूँ, ठीक है, जिसको ताकि आप लोगों को टेंशन ना हो, ठीक है। ये है, और जो बी है वो है 45 - 27 × 2 + 21। वेरी गुड। और डी जो ऑप्शन है वो z³ + z² + z + 1, ठीक है, चारों लिख दिए। चलो सभी बच्चे बताओ इनमें से बीजीय व्यंजक कौन सा है? वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों को गया वेरी डन, सभी बच्चे कीजिए। बीजीय व्यंजक कौन सा है ये आपको बताना है। वेरी गुड डन मैम। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और सभी बच्चे कीजिए, सभी का आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, कुछ बच्चे और बचे हुए हैं, सभी कर दीजिए बच्चे आंसर, गलत हो सही हो आपको जो ठीक लग रहा है वो करो। जब मैं समझाऊंगी और आपको डाउट आता है पूछो तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है, पर करिए सभी बच्चे। निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है? चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो जो बच्चा है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और 5 4 3 2 1 0 फोन को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन, ठीक है। सिंपल सा था बेटा, बीजीय व्यंजक के लिए क्या होना चाहिए? चर होना चाहिए, है ना, अचर होना चाहिए, है ना, और संक्रियाएं भी होनी चाहिए। और ये चारों किसमें है? सिर्फ डी ऑप्शन में है, बाकी सब में तो संख्याएं ही है सिर्फ, है ना। और मेरे सभी बच्चों ने, ऑलमोस्ट सबने सही आंसर दिया है कि बीजीय व्यंजक ये है, ठीक है। चलो अभी मुझे पहले ना ये सभी बताओ, बीजीय व्यंजक और अंक गणितीय व्यंजक दोनों में डिफरेंस करना समझ आ गया ना सबको? यस और नो में आंसर कर दो, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा बोलो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे बीजीय व्यंजक को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे बीजीय व्यंजक को बनाना, ठीक है। चलिए बनाना कैसे, मान लीजिए मेरे पास लिखा, इसको बच्चों ध्यान से समझना, जहां ना समझ आए मुझे बता देना, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी। पहला है जैसे उसने बोला y में 5 जोड़ना, ठीक है, y में 5 जोड़ना। तो आप कहोगे मैम y में 5 जोड़ना मतलब y के अंदर हम 5 को जोड़ देते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने बोला अच्छा बताओ y को
पांच से घटाना, वाई को पांच से घटाना क्या मतलब होगा बताओ जरा चैट सेक्शन में। वाई को पांच से घटाना बताओ जरा क्या बनेगा इसका सही बच्चे, वाई को पांच से घटाना क्या बनेगा जरा बताओ। चार वाई मैम। क्या बेटा? वाई को पांच से घटाना, पांच से घटाना है बेटा, वाई माइनस पांच माइनस वाई आएगा। y को पांच से घटाना है बेटा, y को पांच से घटाना है। क्या बेटा क्या कह गए आप, समझ नहीं आया मुझे। मैं y के आगे एक नहीं होता है क्या? जाए होता है बेटा, i के आगे एक भी होता है, बट लेकिन अभी उसने ये थोड़ी ना पूछा है आपसे y के आगे क्या है, अभी उसने सिर्फ ये पूछा है y को पांच से घटाना, यानी कि पांच में से घटाना है। मेरी बात समझो सभी बच्चे, सीरियस होके सुनो, क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि हमारी सेंटेंस यानी कि जो लाइन है वो क्या कहना चाह रही है वो आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी मैं लिख रही हूँ पांच में वाई को जोड़ो, क्या आएगी जरा बताओ, बताओ जरा चैट सेक्शन में। वाई पांच में वाई को जोड़ो, जोड़ो बेटा, जोड़ना है, जोड़ना है, गुना करने के लिए नहीं बोल रहा, जोड़ने के लिए बोला है। तो पांच प्लस वाई, पांच प्लस वाई नहीं, जोड़ने के लिए बोल रहा है बेटा, जोड़ने के लिए। अगर वो बोलता पांच में वाई को गुना करो, ठीक है, गुना करो, तो आप क्या करते, पांच में वाई को गुना कर देते तो पांच वाई हो जाता, हमेशा अचर आगे आता है, चर बाद में आता है, तब आपका पांच पांच वाई आता। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को, क्या कहना चाह रही हूँ मैं, जल्दी से बताओ। नो मैम। नहीं समझ आया, ठीक है रुको। देखो मैंने लिखा, मान लीजिए x में दो जोड़ लो, क्या बनेगा इसका, x में दो जोड़ो, जोड़ना पता है, उसने बोला x में दो जोड़ो, बताओ क्या बनेगा, चैट सेक्शन में बताओ सभी बच्चे क्या बनेगा, सभी अपना अपना आंसर दो, क्या बनेगा x में दो जोड़ो, आपने x में दो को जोड़ दिया, ठीक है, x में से दो को घटाओ क्या बनेगा बेटा, पढ़ो उसको, पढ़ के फिर करो, x में से दो को घटाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा x को दो से घटाओ, बताओ जरा इसका बनेगा क्या, x को दो से घटाओ, x को दो से घटाओ, यस x को दो में से घटाना है बेटा, हिंदी का सेंटेंस को समझो, वो कह रहा है x को ना दो में से घटा दो, इधर कह रहा था x में से दो को घटाओ, ठीक है, आपको पढ़ पढ़ के समझना पड़ेगा कि वो सेंटेंस क्या बन रहा है, ठीक है। चलो एक और बताओ, एक और बताओ, तीन को x से गुना करो, तीन को x से गुना करें क्या आएगा, तीन को x से गुना करें, आपने बोला तीन को x से गुना करना है, तो यहां से तीन एक्स हो जाएगा, क्योंकि आप जब हम चर और अचर लिखते हैं तो गुना का निशान हटा देते हैं, गुना में है ना, उनका मतलब ही गुना होता है बेटा, बीच में लगाते नहीं है गुना का निशान, लेकिन होता गुना का निशान ही है, और आगे हमेशा पहले अंक आता है, आप x तीन नहीं लिख सकते, आप तीन एक्स ही लिखोगे, ठीक है, लिखने का तरीका है ये, ठीक है, हमेशा आगे अचर आएगा, ठीक है। चलो अभी मुझे बताओ, तीन को x से गुना करो और गुणनफल में दो को जोड़े, कितना होगा, क्या बनेगी जरा देखो, पहले आपने लिखा तीन को दो, तीन को x से गुना करें, तो आपने तीन x कर दिया, ठीक है, उसने बोला जो गुणनफल आया है ना
उसमें दो को जोड़े, यानी कि गुणनफल यही था, इसमें दो को जोड़ दो, बन गई इक्वेशन, बन गया बीजीय व्यंजक। चलो बताओ कितनों को समझ आया है। हमेशा बड़े बड़े सेंटेंस को बीच बीच में तोड़ तोड़ के करो। पहले आधा कर लिया, देखो उसने बोला तीन को एक्स से जोड़ो, एक्स से गुना करें, तो हमने गुना करके तीन एक्स लिख लिया। उसके बाद उसने बोला गुणनफल में दो को जोड़ दो, जो आंसर आया यानी कि तीन एक्स आया ना, उसके अंदर हमने दो को भी जोड़ दिया, ठीक है, तो उसने तीन एक्स के अंदर दो को जोड़ दिया। सिंपल, समझ आया या नहीं? समझ आया या नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, चलो अगला बताओ मुझे, मेरे को एक और बताओ, सभी बच्चे बताना। माइनस दो को वाई से गुना करें और पांच को जोड़ दें। चलो इसका बताओ, तोड़ तोड़ के करो, थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के करो। ठीक है, वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया, देखते हैं सही है या नहीं। ठीक है, ठीक है, उसने बोला आपको माइनस दो को वाई से गुना करें, तो हमने क्या किया, माइनस दो को वाई से गुना किया, तो माइनस दो वाई हो गया। ठीक है, उसके बाद जो आंसर आया उसके अंदर पांच को जोड़ दो, मैंने पांच को जोड़ दिया, सिंपल, माइनस दो वाई प्लस पांच बन गया। क्या अब मेरी बात समझ आ रही है या नहीं, अब बताओ पहले चैट सेक्शन में। अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि मैम क्या बता रही है। बेटा देखो, पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तोड़ तोड़ के करो उसको। पहले आपने आधा कर लिया, उसने बोला माइनस दो को वाई से गुना कर दो, आपने कर दिया गुना, और उसके बाद बोल रहे हो जो आंसर आ गया उसमें पांच को जोड़ दो, मैंने बोला माइनस दो आया था उसमें मैं पांच को जोड़ देती हूँ, मेरा बन गया इक्वेशन, बन गया मेरा बीजीय व्यंजक, है ना, बन गया मेरा बीजीय व्यंजक। यस, बहुत बढ़िया। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो मुझे। चलो एक्स में वाई, एक्स में चार जोड़े, ठीक है, पहले चार को जोड़ना है, तथा योग जो आया है उसमें से नौ घटा दे। बनाओ जरा इसका, सभी बच्चे बनाओ अपना अपना और मुझे अपना अपना आंसर देना, और जिसको अभी भी कंफ्यूजन हो वो आराम से मुझे बता दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बताऊंगी। ठीक है, चलो पहले x में चार को जोड़ना है तथा उसके बाद नौ को घटाना है। चलो बताइए जरा, x में चार जोड़े तथा और योग जो आ गया है उसमें से नौ को घटा। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x में चार जोड़ा, चार को जोड़ दिया x में, तथा योग में से नौ को घटा दे, जो ये योग आया था यानी कि x प्लस चार, इसमें से मैंने नौ को घटा दिया, बन गया मेरा बीजीय व्यंजक। चलो अभी मुझे ये बताओ, किसी को इसमें डाउट है या नहीं, यस और नो में आंसर कर दो, समझ आ गया यस लिख दो, नहीं आया नो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ जरा, सभी बच्चे बता दो, वरना मैं फिर पोल में पूछूंगी आप क्वेश्चन, पूछ लू तो क्वेश्चन फिर पोल में पूछ लू। चलो फिर दो आंसर अगर पूछ लू तो, सभी बच्चे मुझे आंसर करेंगे, क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है, क्वेश्चन है बेटा वाई को पांच में से घटाना, ठीक है, वाई को पांच में से घटाना, सेंटेंस बनाओ पूरा, इस पे बीजीय व्यंजक बनाओ और पोल में जाके आंसर कर दो। चलो वाई को पांच में से घटाना, पहले आराम से कॉपी में कर लेना सभी बच्चे, फिर पोल में जाके करना। वाई को पांच में से घटाना, बेटा वाई को पांच में से घटाना है, क्वेश्चन को सही से पढ़ो, वाई को पांच में से घटाना, आप लोग गलत समझ रहे हो, वाई को पांच में से घटाना है, समझो क्वेश्चन को, वाई को पांच में से घटाना है। मैं हिंदी जो बार बार बोल रही हूं उसको पढ़ के समझो, वाई को पांच में से घटाओ। बेटा अभी भी कई बच्चे गलत कर रहे हैं, समझो उसको क्या कह रहा है, मैंने बार बार कहा है सेंटेंस को समझो, वाई को पांच में से घटाना,
चलो करो जरा सभी बच्चे, सबका आंसर चाहिए मुझे। पहले कॉपी में कर लो वाई को पांच में से घटाना। मैं बोल भी उस तरह से रही हूं ताकि आपको समझ आ जाए, क्लिक कर जाए आपके माइंड में। चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे, सबका आंसर चाहिए मुझे, अभी सबका नहीं आया है। वाई को पांच में से घटाना। अभी भी कई सारे बच्चे रुके हुए हैं बेटा, जल्दी जल्दी सभी बच्चे कीजिए। और एक चीज और, जब तक मैं पोल ऑन करती हूँ, अगर बीच में किसी बच्चे ने आंसर करा है तो जरूरी नहीं है वो सही होगा। और बेटा प्लीज आप लोग भी थोड़ा रूल्स को फॉलो करो, ठीक है। सभी करिए, अभी भी काफी बच्चों का रुका हुआ है, ऐसे काम नहीं चलेगा। वेरी गुड, और भी बच्चे कीजिए। मैम, हाँ जी बेटा, मैम और क्लास नहीं लगा सकती, मेरे बुखार हो रही है। अच्छा बेटा ठीक है, रेस्ट करो। अच्छा आप मनीषा, अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है कोई दिक्कत। वेरी गुड, सभी बच्चे कर दो। अभी भी मेरे दो तीन बच्चे बचे हुए हैं, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0 पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। चलो अभी देखो, वाई को पांच में से घटाना, तो बेटा वाई को पांच में से घटाना है ना, वाई में से पांच नहीं घटाना। तो सी ऑप्शन आधे बच्चों ने लगा दिया है। बेटा मैं बार बार यही बोल रही हूँ, समझो, जो वो सेंटेंस होता है उसको समझा करो। नहीं समझ आता ना, बार बार पढ़ो। मैं बार बार जिस तरीके से इसीलिए पढ़ रही थी ताकि आप समझ पाओ। वो कह रहा है y को ना पांच में से घटा दो, पांच में से घटाना है, y में से पांच नहीं घटाना, दो अलग चीजें हैं, ठीक है। वाई में से पांच घटाना तब आप वाई माइनस पांच करते, यहाँ बोल रहा है वाई को पांच में से घटाना, तो आप पांच में से घटाओगे, ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो जितने बच्चों ने ए लगाया है वेरी गुड। और एक चीज और बेटा, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन अब आ गया मैम वो तो बहुत इजी है, ऑन करते ही आप कई बच्चों ने आंसर लगा दिया था सी। तो बेटा टाइम लो, समझ आता है अच्छी बात है, आप कॉन्फिडेंट हो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक बार कॉपी में कर लिया करो, दो बार चेक करा करो कि हमने सही किया है, ठीक है। यस चलिए, समझ आ गया सभी को, ए ऑप्शन है करेक्ट। दूसरा एक और पूछ लूं, अब पहले कॉपी में अपना आराम से कर लेना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो। वो कहता है M को, मैं पहले चैट ऑफ कर रही हूँ और पोल भी ऑन कर रही हूँ, साथ में समझा दूंगी, करने से पहले समझ लेना क्वेश्चन को बच्चे। वो कहता है M को माइनस पांच से गुना करना है, ठीक है। M को माइनस पांच से गुना करके जो आंसर आया है, प्राप्त आंसर जो है, गुणनफल आया है, उसमें से चार को घटाना है, गुणनफल से चार घटाना, ठीक है। तो पहले आप आधा करो, उसका आधा निकाल लो कि m को माइनस पांच से गुना करो, उसके बाद उसमें से चार को घटा दो। तोड़ तोड़ के करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, पूरा करोगे कंफ्यूज हो गए, तोड़ो। m को माइनस पांच से गुना करें, ठीक है, उसके बाद जो आंसर आ गया आपके पास उसमें से चार को घटा दो, ठीक है। चलो डन मैम। वेरी गुड बेटा, ध्यान से समझो प्लीज। कई बार करते ही आंसर कुछ भी मत लगाइए, आराम से करें, कॉपी में कर लो, ठीक है। आपका हर एक आंसर मेरे लिए बहुत डन मैम। वेरी गुड बेटा, डन मैम। वेरी गुड डन मैम। वेरी गुड, एम को माइनस पांच से गुना करें, ठीक है। पहले एम को माइनस पांच से गुना करें, फिर जो आ गया है ना उसमें से चार भी घटा दें, ठीक है। यस वेरी गुड। पुष्पा की आईडी से बेटा म्यूट कीजिए आप अपने आप को। यस नहीं समझ आता ना बेटा, बार बार सेंटेंस को पढ़ो, बार बार पढ़ो, आधा आधा करके बार बार पढ़ो, क्लिक करता है फिर वो माइंड में ना बार बार पढ़ने से। यस वेरी गुड,
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। एम को माइनस पांच से गुना करना है, फिर उसमें से क्या करना है, चार को घटा देना है। करिए जरा, वेरी गुड। वेरी गुड, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी आंसर करेंगे। एम को माइनस पांच से गुना करें तथा प्राप्त गुणनफल से चार को घटा दें। बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, मुझे आंसर हर एक बच्चे का चाहिए। बच्चे करिए जरा सभी, एम को माइनस पांच से गुना कर दो, उसके बाद जो आगे आपके पास उसमें से चार को घटा दो। करिए जरा, सभी बच्चे करिए प्लीज, सभी बच्चे करिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं, जो बच्चा रुका हुआ जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। फोन को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। बेटा देखो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इसमें उसने बोला है एम को माइनस पांच से गुना कर दो। आपने माइनस पांच से गुना किया, आपको पता है कि जब भी हम चर को गुना करते हैं तो चर बाद में आता है, अचर पहले आता है, तो माइनस पांच एम हो गया, ये आ गया। अब बोल रहा है इसमें से चार घटा दो, मैंने चार भी घटा दिया, बन गया मेरा बीजीय व्यंजक, है ना। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, ऑप्शन नंबर डी। बेटा देखो इन क्वेश्चनों में ना आपको क्या करना होता है, पढ़ पढ़ के ना समझना होता है, अधिक का मतलब क्या हुआ, कम का मतलब क्या हुआ, है ना। कम होगा तो घटाना है, अधिक का मतलब जमा करना है, तो आपको ये पढ़ पढ़ के समझना पड़ेगा। और नहीं समझ आता ना इन सेंटेंस की, इस तरह के क्वेश्चनों की खासियत ही यही है कि आप बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ोगे ना तो आपके माइंड में क्लिक होता है, अच्छा ये करना है, अच्छा ये करना है। नहीं समझ आया दो बार पढ़ो, और पूरा पूरा मत पढ़ो, तोड़ तोड़ के पढ़ो, ठीक है। मतलब मैं अगर इसको पूरा पढ़ूंगी ना, एम को माइनस पांच से गुना करें तथा प्राप्त गुणनफल से चार को घटाना, तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले आधा पढ़ो, फिर उस आधे को सॉल्व कर लो अगर हो रहा है तो, फिर उसके बाद में देखा उसने बोला अच्छा इसने गुना कर दिया, अब प्राप्त जो हुआ उसमें से हमें चार भी घटा देना है, ठीक है। यस,